अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी वेब वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज एक न्यू वीडियो है। और वो वीडियो क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी वेबसाइट पे एक SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप अक्सर वेबसाइट्स को देखते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो जो है HTTP पे जो है सर्व होती हैं और उनके साथ जो है मोस्टली जो है नो सिक्योर लिखा हुआ आता है। चलिए देखते हैं वो कैसे आता है। तो मैं वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और जो लास्ट टाइम हमने एक वेबसाइट जो है वो की थी, रजिस्टर की थी, hauntech.ml, ठीक है। और इसके ऊपर हमने जस्ट एक फाइल डाली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे इसके साथ नोट सिक्योर लिखा हुआ आता है और जो इसका जो प्रोटोकॉल होता है एक्चुअली वो HTTP होता है। तो हम अपनी वेबसाइट को कैसे HTTPS बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल mcsat.ml, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे, और इनफैक्ट गूगल पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है और लिखा हुआ आता है कि कनेक्शन इज़ सिक्योर, सेम लाइक दिस इस वेबसाइट पे भी आ रहा है। तो हम देखते हैं कि आज की वीडियो में कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं जो वेबसाइट रेकमेंड करूँगा या जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो वेबसाइट है cloudflare.com, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का जो हमारा काम है। तो गूगल पे आके आप क्लाउड फ्लेयर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट क्लाउड, क्लाउड फ्लेयर। और यहाँ पे आपको जो है क्लाउड फ्लेयर की वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप क्लाउड फ्लेयर डॉट कॉम पर जाइए और वहाँ पर जाकर आपने, अगर आपका अकाउंट डेफिनेटली अगर नहीं बना तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपका अकाउंट बना है तो आप लॉगिन पे जाएंगे। तो साइन अप का इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, जस्ट आपने अपना ईमेल और पासवर्ड बताना है और जस्ट आपका साइन अप हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और मेरा चूंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ। लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे हम और फिर अपना जो है फर्दर प्रोसेस देखते हैं कैसे होना है। ओके, सो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी दो वेबसाइट जो हैं मैंने रजिस्टर की हुई हैं वो चल रही हैं। तो आपको मैं हल्का सा व्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। फॉर एग्जांपल mcsat.ml पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आपको जो है ना सिर्फ SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ये वेबसाइट, बल्कि आपकी जो है बाकायदा मॉनिटरिंग भी करती है, आपकी ट्रैफिक एनालिसिस भी करती है और आपको बहुत से मतलब हैकिंग के अटैक जैसे डीडोस अटैक वगैरह है उनसे बचाती है और आपकी वेबसाइट को फास्ट लोड करने के लिए जो है वो कैशिंग एक टेक्निक होती है वो भी प्रोवाइड करती है। तो बहरहाल हम अभी जाते हैं वापस और अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट अपनी वेबसाइट जो है वो आपने टाइप करनी है, सॉरी यहाँ पे ऐड अ साइट पे। तो ऐड अ साइट पे आप आते हैं और यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट है वो डालेंगे। तो मेरी वेबसाइट है hauntech.ml और ऐड साइट पे क्लिक कर देंगे। ओके, कहता है hauntech इज नॉट अ रजिस्टर्ड डोमेन, लेट मी चेक हमारी वेबसाइट डोमेन क्या है। ओके, सो मैं शायद टाइपिंग मिस्टेक कर रहा था। तो हमने उसको रजिस्टर कर लिया और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट प्लान इसने दिए हैं हमारे पास, ठीक है। सिलेक्ट अ प्लान प्रो है, बिजनेस एंटरप्राइज है और लास्ट में है नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, गेट स्टार्ट फॉर फ्री। ओके, सो हम फ्री को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये आपका जो DNS है उसको स्कैन करेगी कि आपकी वेबसाइट जो है वो कहाँ पे सर्व हो रही है और फिर फर्दर प्रोसेस देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसने जो है हमारी वेबसाइट को DNS जो एड्रेसेस हैं उनको जो है फेच कर लिया है और उसने जो बता दिया कि hauntech.ml या फिर www.hauntech.ml, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट आपकी इस IP पे जो है वो सर्व हो रही हैं। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर आपको कुछ DNS एड्रेसेस देता है अपने कि ये आपने जाके अपनी जो डोमेन है वहाँ पे डालने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सॉरी ये तो हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, हमने इनको रिप्लेस करना है इन एड्रेसेस से।
तो ये एड्रेसेस हमने जाके डालने हैं अपने डोमेन में। तो हमने जो रजिस्टर की थी डोमेन वो थी freenom.com पे। तो freenom.com पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ओके, सो लॉगिन क्लाइंट एरिया और लॉगिन। हम लॉगिन करने के बाद यहाँ सर्विसेज की जो मेन्यू है यहाँ पे जो माय डोमेन्स पे आएंगे, और यहाँ जब हमारी डोमेन्स आती हैं तो हम जो हमारी जो करंट डोमेन है जिस पे हमने काम करना है इसके सामने ये मैनेज डोमेन का एक ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। जब हमारे पास मैनेज डोमेन का जो मेन्यू है या जो भी इसके ऑप्शंस हैं फर्दर वो आ जाएंगे, तो यहाँ हमने मैनेजमेंट टूल पे आना है और नेम सर्विस पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ नेम सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम सर्वर वन, ठीक है, हमने क्लाउड पे ने जो हमें दी हैं वो उठाने हैं और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना है। सेम लाइक दिस हमने जो सेकंड है वो भी डाल देना है क्लाउड क्लियर से उठा के। ये हो गया। और थर्ड एंड फोर्थ हम डिलीट कर देंगे एंड देन जस्ट चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देंगे। हमारे नेम सर्वर्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं और यहाँ पे हम डन चेक नेम सर्वर्स पे क्लिक करेंगे। ओके, सो गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि ऑटोमेटिकली आपने जो है अपनी डोमेन को HTTPS पे लेके जाना है। मींस के समटाइम ऐसा होता है ना कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगे होते हैं, लेकिन जब यूज़र नॉर्मली जब टाइप करेगा फॉर एग्जाम्पल hashtag.com या .ml तो वो HTTP पे जाएगा, लेकिन जब वो प्रोटोकॉल साथ डिफाइन करेगा कि HTTPS/ जो भी है आगे और आपकी जो डोमेन है उसको लिखेगा तो वो फिर तब HTTPS पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको ऑन कर देना है, कि मीन्स अगर यूज़र HTTP टाइप करता है तो वो डायरेक्टली HTTPS पे आ जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने दोबारा इसको ऑन कर देना है, ठीक है, कि ऑलवेज यूज़ HTTPS। ओके, एंड देन सेव। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑटो मिनीफाई। अब मिनीफाई मीन्स आपके जो है कोड, स्पेशली जावास्क्रिप्ट या CSS का जो कोड होता है नॉर्मली जब हम उसको लिखते हैं तो उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, तो सम टाइम हम उसको मिनीफाई करके डालते हैं अपने वेबसाइट में उसका साइज़ कम करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिकली इसको मिनीफाई करें, तो हम कहेंगे डेफिनेटली आप कर लें यार, इसमें अच्छे आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी वेबसाइट की। ओके, सो वेल HTML को भी कर देते हैं एंड देन सेव पे क्लिक कर लेते हैं। और नेक्स्ट है स्पीड अप पेज लोड टाइम फॉर विजिटर HTTPS ट्रैफिक बाय अप्लाइंग द ब्रोटली कंप्रेशन। अब यहाँ पर ये भी कोई इनकी सर्विस है आपके जो है स्पीड जो है लोडिंग टाइम जो वेबसाइट को उसको बढ़ाने के लिए हम कहते हैं ठीक है यार सेव करो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सेटिंग दिखाता है एंड देन हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो वेबसाइट है वो अब हो चुकी है, यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है और इस पर आ भी गई है। तो यहाँ पे कहता है कि क्लाउड फ्लेयर पीरियोडिकली चेक द वेदर यू हैव पॉइंटेड योर नेम सर्वर टू द क्लाउड फ्लेयर टू परफॉर्म एन इमीडिएट नेम सर्वर चेक, प्लीज री चेक नाउ। कैसे वो कहते हैं कि हम आप बार बार जो है वो चेक करते रहेंगे कि आपने जो नेम सर्वर चेंज किए हैं या नहीं किए, ठीक है। और अगर आप अभी जो है स्केड्यूल करना चाहते हैं जो आपके यहाँ भाई चेक करो मैं कर चुका हूँ, तो आप उस पर क्लिक करें, मैंने क्लिक कर दिया, तब कहता है कि hashtag.ml इज़ नाउ क्यूड अप टू बी रिचेक्ट। तो मतलब कि यहाँ पे वो अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो हो गई है, तो जैसे ही मेरी जो वेबसाइट है वो रेडी होगी तो मुझे ईमेल भी आ जाएगी। और जो है फ्रेंड्स, हमारी जो वेबसाइट है इस पे SSL सर्टिफिकेट्स तो एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन इसको मतलब इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो टाइम 1 घंटा भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं और 24 घंटे भी लग सकते हैं। हमारी वेबसाइट स्टिल जो है वो hashtag.ml जो है वो HTTP के ज़रिए तो एक्सेसिबल है, लेकिन जब हम इसके साथ HTTPS लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेट का एरर आता है, ठीक है। और ये है कि एरर SSL सर्टिफिकेट प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब इसका जो एरर है वो है। तो इस वेबसाइट को जितना टाइम लगना है लगने दें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब अपनी बनाएंगे वो उसमें डेफिनेटली यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इनेबल्ड होंगे। फ्रेंड्स, आपको क्लाउडफ्लेयर के बारे में एक दो चीज़ें बताता चलूँ, कि जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ ऑलरेडी ना अपना अकाउंट से, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक डेवलपमेंट मोड है, दूसरा अंडर अटैक मोड है। अंडर अटैक मोड आपको मोस्टली जो है वो
काफ़ी सारे जो है आपके स्पेशली डीडॉस अटैक या इस किस्म के कुछ अटैक्स से बचाता है, लेकिन स्पेशली जो हमारा डेवलपमेंट के दौरान कंसर्निंग जो है ऑप्शन है या जिससे हमारा जो पाला पड़ने वाला है वो है डेवलपमेंट मोड। हम डेवलपमेंट मोड को ऑन रखेंगे क्योंकि जो आपकी क्लाउड फ्लेयर है, जब भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो आपकी CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल जितनी भी हैं वो अपने पास अपने सर्वर पे कैश कर लेती है, और नेक्स्ट टाइम जब कोई यूज़र उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो अपने सर्वर से डायरेक्टली फाइल उठा के दे देती है, बजाय इसके कि वो आपकी जो होस्टिंग की वेबसाइट है वहाँ पर जाए। तो इट मीन्स कि जब हम CSS को अपडेट करते हैं या जावास्क्रिप्ट को अपडेट करते हैं तो वो फिर हमारे पास जो है लोड जो है पुरानी ही लोड होती रहती हैं। तो इसलिए हम यहाँ से जो है डेवलपमेंट मोड को इनेबल करते हैं ताकि हमारे पास जो लेटेस्ट CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं या इस किस्म की जितनी भी और भी हमारे पास इमेजेस भी हैं सेम एड्रेस के साथ, वो अपडेट हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा हाज़िर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।